हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन के ऊपर जो फेच कराने वाली बात है, MySQL का डेटाबेस जो है पाइथन के ऊपर फेच हो जाए, तो उसमें तीन जो है फंक्शंस है। पहला है फेच ऑल, दूसरा है फेच मेनी और तीसरा है फेच वन। ये तीनों ही फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हम कैसे ये फेच कराएंगे, तो आज के इस वीडियो में फिर वही चीज देखेंगे कि कैसे हम फेच कराने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम यहां पर ओपन करेंगे MySQL। ठीक है, तो ये ओपन किया MySQL। अब ये MySQL का जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस का आप नाम नोट कर लीजिए कि कौन से नाम से आपका डेटाबेस है। ठीक है, तो यहां पर आएंगे और इसे ओपन करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, हमारा जो डेटाबेस है वो किस नाम से है, स्टूडेंट डी नाम से है, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज किया तो देखिए ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें टेबल्स हैं, तो हम कौन से टेबल का यूज करेंगे, तो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट बी। अब इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर दो ही फील्ड है, एक एस कोड है और एक नेम है। अब इसमें देख सकते हैं 101, 102, 103, 104 से लेकर 120 तक के नाम इसमें इंसर्टेड है। ठीक है, और इसी को हम कराने वाले हैं फेच। तो पहले तो देख लीजिए कि इस जो टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट बी, और ये जो डाटाबेस है उसका नाम क्या है, जो डाटाबेस है हमारा उसका नाम है स्टूडेंट डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाइथन को ओपन करेंगे। तो यहां से चलेंगे और यहां से पाइथन को कर लेते हैं ओपन। तो ये पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडीई है उसी पर हम इसको फेच करा के देखेंगे। ठीक है, और इन तीनों ही फंक्शंस को यूज करेंगे। तो यहां पर आते हैं और सबसे पहले न्यू पेज ले लेते हैं। तो यहां पर आपको पता ही है कि सबसे पहले हम पाइथन को इंपोर्ट करवाएंगे, तो यहां लिखेंगे MySQL को, सॉरी पाइथन को नहीं बल्कि MySQL को इंपोर्ट कराएंगे। तो इंपोर्ट MySQL और यहाँ पे कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ डॉट कनेक्टर दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा डॉट कनेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर एज सी, एज डी कुछ भी ऐसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे एज सी कर देता हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्टर ही लिखिएगा। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो ये फेच नहीं होगा, तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन इज इक्वल टू सी डॉट कनेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है कॉन इज इक्वल टू सी डॉट कनेक्ट और ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा। होस्ट हमारा लोकल होस्ट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, आपके में भी लोकल होस्ट ही होगा। ठीक है, तो लोकल होस्ट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि 90% आने वाला है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और ये आपको दिया जाता है जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर दिया जाता है। तो इस बात का बखूबी ध्यान रखिएगा आप। बाकी यहाँ पे पी ए डबल एस डब्ल्यू डी पासवर्ड जो है यहाँ पे दे दीजिएगा। तो पासवर्ड हमारे केस में जो है वो मैं अपना दे देता हूँ, आप अपना पासवर्ड दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, और अब यहाँ पर डाटाबेस का नाम आएगा, तो यहाँ पे डाटाबेस लिखता हूं मैं इस तरीके से। और यहाँ पे डाटाबेस का नाम है, क्या नाम है एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमारे डाटाबेस का नाम है स्टूडेंट डी। ठीक है, तो यही नाम हमें यहाँ पर देना है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर डाटाबेस का नाम गलत दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, एक भी आएगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे डाटाबेस का नाम दे दीजिए स्टूडेंट बी। ठीक है, स्टूडेंट और यहां पे डी है, शायद डी है, एक मिनट चेक करते हैं एक बार फिर से। ये स्टूडेंट डी। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट डी दे दिया हमने और इसको बंद किया डॉटेड कॉमा को। और डॉटेड कॉमा को जैसे ही बंद करेंगे तो फिर क्या करना है आपको, डाटाबेस का तो नाम दे दिया आप, टेबल को ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ था इसको भी कर दीजिए क्लोज। तो हमारे पास होस्ट हो गया, यूजर हो गया, पासवर्ड हो गया और डाटाबेस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब नीचे आएंगे, अब कर्सर बनाएंगे यहाँ पे, कर्सर इज इक्वल टू, अब यहां पर एक फंक्शन होता है कर्सर, तो कॉन डॉट कर्सर करेंगे, सी यू आर एस ओ आर हो गया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और फिर कर दीजिए एंटर। अब यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे, भाई क्वेरी तो लगाना ही पड़ता है MySQL के अंदर। ठीक है, या आप कोई भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कीजिए, चाहे ओरेकल यूज कीजिए चाहे जावा यूज कीजिए, उसमें क्वेरी तो लगानी होगी। और यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करूंगा और एस्टेक लगाऊंगा, और कहां से सेलेक्ट करना है बेटा, तो हमें सेलेक्ट करना है हमारे टेबल से। और हमारे टेबल का क्या नाम है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे टेबल का क्या नाम है। तो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट बी, यहाँ पे देखिए टेबल बनाया है स्टूडेंट बी नाम से, तो स्मॉल में सब लिखना है। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल का भी बखूबी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब चलिए यहां पर आते हैं और यहां पे क्या करते हैं, स्टूडेंट बी कर देते हैं। तो ये कर दिया स्टूडेंट बी, तो ये हो गया स्टूडेंट बी। और अब यहां पे डॉटेड कॉमा को क्लोज कर दीजिएगा और डॉटेड कॉमा को क्लोज करके एंटर करिएगा और नीचे आइएगा। अब क्या करना है, यहां पर अब हम इस कर्सर को एक्सिक्यूट करवाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे कर्सर इज इक्वल टू एक्सिक्यूट। तो क्वेरी जो है, क्वेरी को एक्सिक्यूट करवाएंगे, कर्सर के अंदर जो क्वेरी मौजूद है उसको एक्सिक्यूट करवाएंगे। ठीक है,
तो यहां पर जो है कर्सर इज इक्वल टू एक्सिक्यूट डॉट क्वेरी लिखेंगे क्यू यू ई आर वाई, ये तो क्वेरी ही बनाई है ऊपर हमने, ये देख सकते हैं ये हमारी क्वेरी ही है, ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम डाटा के अंदर इसे स्टोर करा लेंगे, कोई भी एक बना लेंगे, जैसे डाटा ही कोई जरूरी नहीं है कि आप यही बनाइए, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, फिलहाल हम यही बना लेते हैं। और यहां पे लिखेंगे कर्सर डॉट फेच वन, क्या लिखेंगे फेच वन, तो पहले वन वाला देखते हैं, ठीक है। तो फेच वन लिखेंगे तो केवल एक ही रिकॉर्ड फेच होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहां पे डेटा को हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट डाटा डी ए टी ए, तो जैसे लिखा गया है वैसे ही डाटा आपको लिखना है। देखिए मैंने कैसे लिखा है, यहां पे देख सकते हैं, और यहां पर ये डॉट नहीं होगा, डॉट भी हटाना होगा, यहां पे डॉट रहेगा, बाकी वहां पे तो इज इक्वल टू है ही, ठीक है। अब क्या करना है, इसको यहां से चला देना है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर एक रिकॉर्ड जो है फेच हो गया, क्योंकि हमने एक ही लिया हुआ है तो एक रिकॉर्ड फेच हो गया। अच्छा मान लीजिए कि इसको हम दो बार रिपीट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये है ना, इसको यहां पे मैंने एक बार एक्सिक्यूट किया, फिर दूसरी बार एक्सिक्यूट करेंगे तब क्या आएगा, तो देखिए दूसरी बार भी एक्सिक्यूट करेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन क्या दो बार इसको रिवाइज किया जा सकता है, यानी इसको उठाया यहां से कॉपी किया और कॉपी करके नीचे अगर पेस्ट कर देता हूं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये देखिए ये दो बार पेस्ट किया है तो क्या ये चलेगा, क्या ये काम करेगा, सवाल यही है। तो यहां पे ये एरर देगा, ठीक है, इसको ये रीड नहीं कर सकता क्योंकि फेच वन है तो एक ही बार फेच करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फेच वन के बाद फेच मेनी की, ठीक है। तो फेच मेनी यहां लिखेंगे एम ए एन वाई, फेच एम ए एन वाई, फेच मेनी हो गया। और यहां पर हम दो रिकॉर्ड्स को फेच कराना चाहते हैं, तो यहां पैरामीटर के अंदर आप वैल्यू दे दीजिए दो, ठीक है, दे दिया टू। अब इसको चलाएंगे और देखेंगे क्या होता है, तो यहां पे देख सकते हैं अमित का और अर्जुन का दो रिकॉर्ड आ रहा है, क्या होगा अगर हम थ्री दे दें, फोर दे दें, ऐसे कुछ दे दें तो क्या होगा, तो यहां थ्री दे देते हैं, तो देखिए थ्री देंगे तो तीन रिकॉर्ड फेच होंगे, देखिए तीन रिकॉर्ड फेच हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि फोर दे दे, एक बार फोर देते हैं, फाइव दे देते हैं, एक ही बार फाइव देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये फाइव दिया तो देखिए जितना आप पैरामीटर में देंगे वैल्यू उतनी ही उतने ही रिकॉर्ड को ये फेच कराएगा, देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, पांच रिकॉर्ड फेच करा रहा है ये, ठीक है। तो ये फेच मेनी का काम है। अब फेच ऑल में क्या होगा, फेच ऑल में एक ही बार में पूरा आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहां पर गए और यहां पर जाकर के एफ ई टी सी एच ए डबल एल ऑल किया हमने, और अब यहां से इसको रन करवा देते हैं। तो रन जैसे ही करवाएंगे तो आप देखेंगे कि सारा रिकॉर्ड जो है एक ही बार में फेच हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे सारा फेच हो रहा है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि ये फेच कैसे कराना है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए यहां पर आपको क्या करना है, ये देखिए अगर आप फेच वन करेंगे तो एक रिकॉर्ड फेच होगा, तो यहाँ पे फेच वन किया तो देखिए एक ही रिकॉर्ड फेच हो रहा है, देखिए एक रिकॉर्ड आ रहा है। लेकिन अगर हम फेच मेनी करेंगे तो जितने चाहे उतने रिकॉर्ड फेच करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विश, जैसे मान लीजिए कि 10 रिकॉर्ड हैं तो हमको 5 फेच कराने हैं, 6 फेच कराने हैं, 9 रिकॉर्ड फेच कराने हैं, तो यहाँ पे F5 किया तो 9 रिकॉर्ड आ जाएंगे इसमें, देखिए 9 रिकॉर्ड आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए फेच ऑल करेंगे तो फेच ऑल भी मैंने बताई दिया अभी रिसेंटली, तो यहाँ पे फेच ऑल करेंगे तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, जितने होंगे वो सारे आएंगे फेच ऑल में, ठीक है। तो ये हो गया फेच ऑल, तो देखिए फेच ऑल, फेच मेनी, फेच वन सब बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।